कि यहाँ पे कुछ रेत आ चुकी है, ईंटें आ चुकी हैं, सामने आपको ईंटें नज़र आ रही हैं, वो सामने मेरी गाड़ी खड़ी है, ये सब क्यों आया पड़ा है। आज मैंने आप लोगों को बताना है कि ये जो घर है ये हमने कितने में लिया है और इसकी क्या प्राइस है। ये सर है 35। ये हाफ कितने में? हाफ नहीं होती इसकी। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी वेलकम आर न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सुबह सुबह नाश्ता हमने कर लिया है, दूध भी ले लिया और दूध अभी अभी उबल चुका है। तैयारी? हाँ जी तैयारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और मैं पानी पी रही थी जाने से पहले। दूध हमारा यहाँ पे उबल चुका है, दूध हमें ये सही मिल रहा है। कभी कभी गड़बड़ होती है, फिर तकरीबन ठीक है, ज्यादातर ठीक है। और कुछ हम गांव से लेके आते हैं? हाँ जी, वो लेके आते हैं और वो जितना भी लेके आते हैं ना वो खत्म हो जाता है। तो अभी हम कहाँ पर जा रहे हैं? हम अभी बाजार जा रहे हैं। बाजार जा रहे हैं जी। तो आप ही हमारा विजिट करने? हाँ जी। पिछले दिनों हम गए थे और बच्चों के कुछ कपड़े लेने थे तो वो नहीं ले सके थे, मतलब देखे शेखे थे लेकिन पसंद नहीं आए थे, कुछ प्राइस कुछ वैसे वैरायटी। तो आज फिर हम निकल रहे हैं, बच्चे अभी स्कूल हैं और उनको भी अगर छुट्टी का टाइम होगा तो वापस लेते आएंगे, लेकिन अभी हम जा रहे हैं कपड़े लेने बच्चों के लिए। बच्चों के कपड़े बिल्कुल भी नहीं है सर्दियों के, तो कहीं से जाके देखते हैं ज़रा किफ़ायत वाले भी और सही वाले भी, अच्छे वाले भी, या जो भी नज़ेन में आते हैं वो भी ले लेते हैं। तो आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं और आ जाएं जी। अब आप पर्स भी उठा लें और घर की चाबी भी उठा लें। चलो। और मेरा वही हसबे ममूल ट्रैक सूट मैंने पहना हुआ है, जो कल से पहना हुआ है अभी भी है। तो लेकिन हमारी बेगम जो है ना मेरे ख्याल में रेडी शेडी हो चुकी है। पुराना पहना है। हाँ पुराना भी तो आपने लिया था। ये आपने भी तो अभी लिया था लेकिन आप उसको पुराना कह रहे हो। अच्छा मुकाबले में पुराना। जल्दी आ जाओ फिर, जल्दी आ जाओ। पहनो। तो ये चाबी मैंने उठा ली है, ये गाड़ी की चाबी है, चूँकि ना मूड हमारा चेंज हो चुका है। शुक्र है ये दिन का बेगम का मूड चेंज हुआ है। मूड आपका ही चेंज हुआ, आपका दिल था कि गाड़ी पे जाते हैं। नहीं नहीं, मैं तो इसलिए कह रही थी कि भाई अगर टाइम हो जाए तो बच्चों को तो ले सके ना। हाँ ये भी तो देखो ना। चलो जी ठीक है, तो फिर मोटरसाइकिल नहीं लेके जाते, गाड़ी को ही लेके जाते हैं। आए जी आए। गेट लॉक कर रहे हैं, बल्कि इसके ऊपर ताला भी लगा दिया, लॉक लगा दिया। इतना काफी है, ज्यादा बड़े ताले की जरूरत नहीं। हाँ जी अक्सर कहते थे इतना बड़ा ताला मैं करीब से दिखा दूं। ये काफी बड़ा सारा ताला है, अगर आप दिल बड़ा करके देखें तो। ये देखें जी, तो ये अब कपड़ा हटा रहे हैं। पहले ये कह रहे थे बाइक पे, मैंने कहा अगर टाइम हो जाए तो बच्चों को लेंगे, फिर वो बाइक पे कैसे बैठेंगे। चले। अच्छा हमारी एक जानने वाली हैं सिस्टर, हमारी यहीं पे रहती हैं, वो बेचारी ना काफ़ी दफ़ा ना आई हैं तो हम घर भी नहीं होते थे। तो कल उन्होंने जब देखा कि हम यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं और कुछ सस्ती शॉपिंग ढूंढ रहे हैं, अक्सर हमें LB का भी मशवरा दिया है किसी ने, पता है लंडा बाज़ार का। लेकिन मैं जिन्होंने हमें मशवरा दिया ना उन्हें बताया हम लंडा बाज़ार से भी हो आए हैं, पर वहाँ इतनी महंगाई है ना, तो बहुत महंगाई थी, आप वहाँ का कुछ ना पूछे, बहुत महंगी चीज़ें थी। तो हम कोशिश कर रहे थे कि भाई म्यारी भी हों और भी सही प्राइस में भी मिल जाए, ये तो नहीं कि सस्ती भी मांगे और अच्छी भी मांगे। उन्होंने फिर एक मार्केट का पता बताया है, तो वहाँ चलते हैं और वहाँ पता लग करते हैं। वो कहती हैं कि मैं अपने बच्चों के भी वहाँ से लेती हूँ जो आम घर में पहनने के होते हैं। हाँ फंक्शन वगैरह के लिए तो कहीं और से ले लिए, लेकिन जो आम होते हैं ना वो वहाँ से लेती हूँ, वो सही भी चल जाते हैं और सही रहते हैं, ना कलर ख़राब होता है, कुछ भी नहीं होता है, मुनासिब प्राइस पर भी मिल जाते हैं। तो पहले वहाँ चले। आपको पता कहाँ पे जाना है? हाँ वो एड्रेस उन्होंने फ़ोन पे भेजा है तो मैं आपको बताती हूँ। एड्रेस मैं तसव्वुर को बता देती हूँ, यूसुफ शाह रोड पे जाना है, वहाँ पे है नसीम सेंटर, ठीक है ना, जहाँ आपने खद्दर भी देखा था, एक खाड़ी खद्दर कमालिया का, ठीक है ना, वहीं पर जाना है। तो अब जगह का तो नहीं पता लेकिन एड्रेस उन्होंने बता दिया, तसव्वुर को वैसे यूसुफ शाह रोड का पता है ना, तो वहाँ चलते हैं। हाँ जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम आए हैं जनाब जी जे डॉट पे आए हैं और यहाँ से देख लेते हैं कोई हमारे जेन में कोई चीज़ आती है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी कलरफुल वैरायटी है जनाब, और नीचे भी है ऊपर भी है।
आप बताओ कुछ लग रहा है जीन पे? देख रही हूँ। शॉर्ट्स ये किड्स के भी होते हैं? छोटे बच्चों के। हम चल रहे हैं नीचे और नीचे भी कुछ देखते हैं। यहाँ पे तो हम खुद ही बड़े सारे नजर आ रहे हैं। शीशा इतना बड़ा है। आ जाओ, ये सारे शीशे। ये ना कहना कि इधर से मैंने जाना। हाँ, ये यहाँ पे साइड पे शीशा और इस साइड पे सारा लगा हुआ है। ऑन स्टेज स्टेज दोनों यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ये देखो, तो हम नीचे से आप देख रहे हैं कुछ अनस्टिच कपड़े जो है ना, उनमें से कोई पसंद आता है बेगम को तो ठीक है। ये वन पीस है। जीसी का शर्ट्स टू पीस है, विंटर के। अच्छा, ये सारे ही सिंगल पीस हैं, सिर्फ शर्ट्स के हैं? ये टू पीस है, ये दुपट्टा और शर्ट। ये नॉन में विंटर के लिए यहाँ पे है भाई। ये समर है, ये सारे समर हैं इनके। और ये अभी न्यू अराइवल होगा जी जी। कोई नहीं यार, है बड़े मकूल प्राइस है। अच्छा जी, अभी हम इसके कुछ फ्रेग्रेंस अच्छी है। ये कितनी में प्राइस? ये सर 35। ये हाफ कितने में? हाफ नहीं होती इसकी। आप पूछ लो, दो चप्पल शॉपर में डलवा लेना। नहीं, आप इन्हें ना चम्मच के हिसाब से ना शॉपर में पैक करके देना, जैसे आप वो लाए थे पाई। पाई नहीं लाए थे? हाँ, पाई मैं आधे लाया था। तो मर्जी है तेरी यार, हाफ अब नहीं हो सकती तो फिर महंगी ज़्यादा है। नहीं सर, ये किलो में ही आती है, आधा किलो। अच्छा, आधा किलो नहीं होते। चलो चलो, फिर आप ना वो उसका बना दें। थैंक यू। एक शर्ट हमने ले ली है और फिर हम निकल आए हैं, क्योंकि ना इतनी काफ़ी है। हाँ, इतनी काफ़ी है जीने के लिए। हाँ, पता हो कि हमने ले ली है। हाँ जी बिल्कुल। नहीं, हम असल में ये टेस्ट चेक कर रहे हैं। अब हम किसी और जगह पे जा रहे हैं तो उसका भी टेस्ट चेक करेंगे ना कि वहाँ पे क्या सीन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक और बात है, स्टफ वही होता है, खद्दर है, लीलन है। हाँ, हल्की वैरायटी भी मिलती है, थोड़ी सी अच्छी भी। लेकिन जो ये ब्रांड नाम के होते हैं ना, ये सारे ब्रांड एक ही वैरायटी रखते हैं, और जब सेल लगाते हैं तो ये हमारे लोकल उस पे आ जाते हैं प्राइस पे ना, जो आम पे होती है। तो तकरीबन स्टफ वही चल रहा है, इससे ज्यादा अच्छा कहाँ से आ सकता है। लेकिन वो होता है ना कि अपना ब्रांड का रेट भी तो लगाना है। वो एक नाम की ग्रेस होती है। हाँ जी बिल्कुल। तो ये फैक्ट्री आउटलेट है, तो तसव्वुर की मैंने वैसे वो धोई थी, वो ठीक की। आपको पता है वॉश हो के ब्रांड के कपड़े भी उतने ही ऐसे ही हो जाते हैं। अब ये लिए तो ये वॉश करेंगे, उसके बाद पता लग जाएगा कि इसमें क्या है क्या नहीं। अभी यहाँ से जाना? हाँ, पहले आगे जाते हैं। पहले अभी हम ये फैक्ट्री आउटलेट पे नहीं जा रहे, पहले हम जा रहे हैं वो जो सिस्टर ने एड्रेस बताया है ना उस पे। तो चलते हैं। ये बिल्कुल ही करीब था उस शॉप से और हम यहाँ पहुँच चुके हैं जो उन्होंने नसीम सेंटर बताया। फरमाइशी स्टोर पे हम आ चुके हैं। ये मैंने किसी ने रिकमेंड किया था, नसीम सेंटर। तो एक्चुअली हम आए नए जंग में शिफ्ट हुए हैं, किसी ने कहा था कि आप बच्चों के लेने, तो नसीम सेंटर से जा कर लेना। तो यहाँ से जनाब जब भी हम देख रहे हैं और देखते हैं कि जो फार्मेसी स्टोर है नसीम सेंटर कैसा रहता है। जी तो प्यारे व्यूअर्स, आज मैंने आप लोगों को बताना है कि ये जो घर है ये हमने कितने में लिया है और इसकी क्या प्राइस है। तो ये भी आज के व्लॉग में आपको डिटेल से बताएंगे, क्योंकि काफ़ी लोग हमसे ये पूछ रहे थे कि ये आपने घर अपना लिया है, किराए पे लिया है, कितने में लिया है, कैसे लिया है, कौन सी सोसाइटी, ये वो। मैंने कहा आज आप लोगों के साथ ना डिटेल के साथ ना एक वीडियो शेयर कर दें, जो लोग तजस्सुस में हैं कि ये घर किस का है, कितने का लिया है, तो ज़रा उनको भी इसका मैंने कहा एक वीडियो बना के ना सभी को रिप्लाई कर देते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा चीज़ एक आप लोगों को बतानी है कि यहाँ पे कुछ रेत आ चुकी है,
ईंटें आ चुकी हैं सामने, आपको ईंटें नज़र आ रही हैं, वो सामने हमारी गाड़ी खड़ी है, ये सब क्यों आया पड़ा है। तो ये भी एक पूरा फिनोमिना है जो हम आप लोगों के साथ बाद में शेयर करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम आप लोगों को सिर्फ इस घर के बारे में बताएंगे। ये जो सामने घर है जिसमें अभी हम रिहाइश पजीर हैं, ये ईंटें रेत ये सब क्यों आया पड़ा है, यूँ समझे कि आप लोगों के लिए सस्पेंस है, इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ये क्यों आई पड़ी है यहाँ पर। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल सारी बता देता हूँ। इस घर का ये 6.5 मरले पे घर है और इसके दो पोर्शन हैं, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। तो अभी अंदर चलते हैं। अच्छा, नीचे वाले पोर्शन में ना हमारे एक प्रोफेसर साहब रहते हैं जो हमसे पहले थे, 1 महीना पहले आए हैं, और हमने लिया ऊपर वाला घर, ऊपर वाला हिस्सा। यहाँ से ये सीढ़ी निकलती है, ये दरवाज़ा इसका सेपरेट भी है, उधर से भी हम आ सकते हैं, इधर से भी मोटरसाइकिल वगैरह हम यहाँ पे खड़ी करते हैं, और इन सीढ़ियों से सीधे हम जाते हैं ऊपर। तो मैं अभी जाते जाते आप लोगों को बता दूं कि इसका रेंट क्या है। ये हमें जी 25,000 पर मंथ के हिसाब से मिला है अभी तक। तो हमने ये सोचा जब तक अपना घर नहीं बनता तब तक तो हम यहीं पे रिहायश रखेंगे, और बेगम हमारे यहाँ पे सफाई भी कर रही है। हाँ हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो वो एक सरप्राइज है, आप लोगों के साथ फिर शेयर करेंगे। हाँ हाँ, तो बाकी का ये है कि इसका रेंट है 25,000, और इसमें अभी अंदर से मैं आपको दिखाऊं तो ये सामने बैठा क्या, ये इधर सीढ़ियों। हाँ हाँ, अच्छे भी हो सकते। मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, ये सामने आपको दो घर नज़र आ रहे हैं, ये साथ वाला ये जो घर है, एक ये है और एक ये है। ये वाला घर जो है ये अभी रेंट पे हुआ है 47,000 रुपये दोनों पोर्शन। हाँ हाँ, और ये नीचे वाले का तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ऊपर वाला जो मिला है ये 25,000 पर मंथ के हिसाब से मिला, लेकिन थोड़ा सा महंगा लगता है हमें। हाँ हाँ, तो थोड़ा सा हमें महंगा लगता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे, लेकिन जगह के हिसाब से फिर हम कंप्रोमाइज़ कर गए कि चूंकि यहाँ पे जगह अच्छी है और सोसाइटी बहुत ही अच्छी है, बहुत प्यारी सोसाइटी है, मिलते मिलाते भी हैं यहाँ के लोग और अपने काम से भी काम भी रखते हैं। हाँ, एक होता है ना कि अपने काम से काम रखते हैं तो अपने घर में जुटते हैं, नहीं बाहर निकलते हैं, सलाम दुआ होती है, सारा कुछ होता है। ये है कि भाई बंदे को दुनिया का पता होता है कि साथ भी कोई बसता है। हाँ, तो जो जो अपने घर वाला सीन है इंशाल्लाह वो तो आप लोगों के साथ हम करीब ही शेयर करेंगे कि वो वाला हमारा सीन का वक्त वक्त ज़रा आराम से हम भी ज़रा थोड़ा सा ठंडे हो लें। अभी आपको पता नहीं यहाँ पे कितनी धूप लग रही है। इंशाल्लाह ताला एक दिन हमारा भी अपना घर होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो घर अपना है वैसे हमारा गाँव में, तो आप लोगों ने देखा है हमारा अच्छा खासा घर है वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, तो उस हवाले से ना फिर वो वो तो हमें बहुत अजीज है ना। यहाँ पे आपको पता सिर्फ मजबूरी की वजह से हमें यहाँ पे रिहायश करनी पड़ रही है और ये सारा। हाँ, लेकिन साथ साथ में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी हो जाए तो अच्छी बात है। तो इस सोसाइटी को हमने बड़ा इसलिए जांच पड़ताल करके सिलेक्ट किया कि ये हमारे एरिया की सबसे बेस्ट सोसाइटी है। इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त है, इसके जो रोड्स हैं बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत प्यारी जगह है। काफ़ी जगहों पे गए हैं, लेकिन जो इसकी सिक्योरिटी है ना, आप कहती हूँ वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। ऐसे ही। हाँ जी, बिल्कुल। और बाकी सुकून है। हाँ, सुकून है। हाँ, अमन है, सुकून है, कोई डिस्टर्ब कोई नहीं करता किसी को यहाँ पे ना। बाकी जो मजदूर लगे होते हैं ना, जो जैसे कि आपने देखा है कि घर बन रहे हैं, तो उस हिसाब से वो थोड़े सी मशीनें चला के डिस्टर्ब करते हैं। वो तो काम जो चल रहा है ना, काम जो चल रहा है बाकी कोई भी ऐसे। हाँ। तो ऊपर वाले से कि ये कि सर्दी में धूप बड़ी लगती है। हाँ, हम समझे थे ठंड लगती है। हाँ। लेकिन हवा नहीं आती माशाल्लाह से, सिर्फ धूप आती है, धूप बड़ी आती है टिका की। जब धूप निकली अभी हम रहे नहीं है तो गर्मियों का पता, गर्मियों में देखेंगे क्या बनता है हमारा। गर्मियों में इधर से हवा आती है, इसको बंद कर देंगे, वो खोल देंगे।